नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। तेजाजी नगर पुलिस ने यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी गाड़ियों से मोबाइल चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी के मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। दरअसल तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में स्थित सेज यूनिवर्सिटी में लगातार मोबाइल चोरी की घटना सामने आ रही थी, जिसकी शिकायत यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने दर्ज कराई थी। वहीं तेजाजी नगर पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में चेतन पाटिल, प्रशांत वानखेड़े और भूषण वानखेड़े हैं, जो यहां चोरी करने के उद्देश्य से ही आते थे। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 8 चोरी की मोबाइल बरामद की है। वहीं पकड़े गए आरोपियों से और भी घटनाओं के बारे में पूछताछ की जा रही है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसमें मोबाइल गए थे सेज यूनिवर्सिटी में। कुछ लोग जो प्रत्याशी थे, अभ्यर्थी थे, उनके द्वारा एग्जाम देने आए थे, तब उनके मोबाइल चोरी चले गए थे। इस आधार पर थाना तेजाजी नगर में चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई और टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर तेजाजी नगर की टीम के द्वारा, जो पुलिस थाने के द्वारा एक टीम लगाई गई थी, टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर 3 आरोपियों की पहचान हुई, जिसमें भूषण, प्रशांत और एक अन्य हैं। इन तीनों को आइडेंटिफाइड किया जाकर, बुरहानपुर के तीनों रहने वाले हैं, उनको हिरासत में ले जाकर पूछताछ की गई। तो इनके द्वारा सेज यूनिवर्सिटी में जो अभ्यर्थी आए हुए थे परीक्षा देने के लिए, उनके मोबाइल चोरी करना स्वीकार कर लिया गया। इनके कब्जे से 8 मोबाइल बरामद हुए हैं, जो लगभग कीमत उनकी 1,00,000 रुपए है। इनसे पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के आधार पर और रिकवरी के प्रयास किए। टाइम न्यूज़ देखिए अब